पूर्वी दिल्ली के विवेक बिहार न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर में अपने जिगर के टुकड़ों को दाखिल कराने वाले माँ बाप को क्या पता था कि जहाँ वे अपने बच्चों की जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से मौत उन्हें छीन कर ले जाएगी। इस बेबी केयर सेंटर में 25 मई की रात भयानक आग लगी और आग ने एक साथ कई घरों के चिराग बुझा दिए। कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जिन्हें एक दिन पहले ही बच्चा होने की खुशी नसीब हुई थी, लेकिन एक दिन बाद ही उनके घर पर मातम पसर गया। हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई है और 5 बच्चे घायल हैं। हादसे के बाद अस्पताल की कई खामियां सामने आई हैं और 7 बच्चों की मौत के गुनहगार डॉक्टर नवीन खिची को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह अस्पताल उनका ही था। आग लगने के समय ड्यूटी पर मौजूद एक अन्य डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। विवेक बिहार में न्यू बॉर्न बेबी केयर अस्पताल के मालिक डॉक्टर नवीन खिची आग लगने के बाद से ही फरार थे। पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में FIR दर्ज की है। मंडे को से हो जाता तो मंडे को छुट्टी करवा के ले जाते, पता पड़ा कि ये हादसा हो गया। जी सब तरह की आप भी सोचते हो, आपके घर में भी हुए तो आप भी सोचोगे क्या करें। अब तुम्हें पता है लड़के की खुशी कितनी होती है। किसान है जी, शिवाली अली नगर गांव पड़ता है बिलेंसर के पास, बिलेंसर से 12-13 किलोमीटर दूर है। आगे हैं तो आपने यहां दिल्ली में आके इसी हॉस्पिटल में क्यों एडमिट कराया? इसी में पहले हमारे भैया हैं, उनके बच्चे सही होकर चले, इस वजह से। अच्छा, इसी में? हाँ जी जी जी, इस वजह से। जी जी जी, पैदा वहीं हुआ था? जी बुलंदशहर जी, नहीं गुलाबटी पैदा हुआ था, फिर वहाँ से वे नहीं है सिरोही हॉस्पिटल है उसमें रखा था 2 दिन, वहाँ पर कुछ हमें नहीं लगा तो इस वजह से दिल्ली को रेफर कर दिया था, दिल्ली देखा गया। जी जी, तो बच्चे की माँ की कैसी तबीयत? जी माँ अभी पता नहीं है उसको, उस पर तुम माँ पे कितनी बीजती है जैसे नाम अभी पता नहीं है। फोन आया था मैंने कि सही है, कल को छुट्टी हो जाएगी, आ जाएंगे कल को लेकर। घटना के वक्त अस्पताल में 12 बच्चे थे। धुआं भरने के कारण बच्चों की हालत गंभीर होने लगी। स्थानीय लोगों और दमकल की टीम ने लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़कर बच्चों को बाहर निकाला। तब तक दम घुटने से 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी। इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए GTV अस्पताल भेजा गया। खबर है कि आग लगते ही हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ बच्चों को छोड़कर भाग गए थे। ये बिल्डिंग 3 मंजिला थी। पहली मंजिल पर बच्चे थे और दूसरी पर स्टोर था। इस इमारत में कई ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाने की बात कही जा रही है। आग क्यों लगी इस पर अभी जांच जारी है। फायर विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया है कि इस मामले में जांच चल रही है और आग संभवतः इलेक्ट्रॉनिक कारणों से लगी है। देखिए अभी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, उसके बाद पता चल पाएगा। सारे वीडियो को एनालाइज करके जो चश्मदीद गवाह थे, मतलब जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे टाइम, तब पता चलेगा। प्राइमा फैसा, क्योंकि अभी भी इससे पहले भी मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरे को ये लगता है, क्योंकि और कोई एंगल नहीं आ रहा है, ये आग लगी किसी भी इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से, चाहे जनरेटर में फॉल्ट हुई है या अंदर फॉल्ट हुई है या कहीं और बाहर हुई है, पर लगता है प्राइमरी वैसा ऐसा है कि इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ इसमें रोल है। बेबी केयर सेंटर में किस तरह की लापरवाही सामने आई है इस बारे में और बता रही हैं हमारी संवाददाता भावना किशोर। विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लिया और सही तरीके से अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, लेकिन इस अग्निकांड ने उनकी जान ले ली। कई परिवार तबाह हो गए, लेकिन जिम्मेदार कौन और आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे जो जांच है वो तो चल रही है, लेकिन इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है इसी अस्पताल के पीछे के साइड में है जहां पर उन बच्चों को निकाला गया था। फर्स्ट फ्लोर पर ये बेबी केयर सेंटर चलाया जाता था और नीचे के फ्लोर पर आपको बता दें कि किस तरह से सिलेंडर की रिफिलिंग की जाती थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि ये वही जगह है जहां पर इस खिड़की को तोड़कर यहां पर रहने वाले लोगों ने उन बच्चों की जो है वो जान बचाई। जो बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं 5 बच्चे, लेकिन उनमें से अगर बात करें 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। और ये जो नीचे का हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां पर कई सारे दवाइयों के पैकेट्स रखे होंगे और फेंके गए होंगे, लेकिन वही अगर अंदर की तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर ये देख सकते हैं कि ये ICU यूनिट की तरह ये तस्वीर आपको नजर आ रही होगी। यहां पर कई सारे दवाइयों के डिब्बे पड़े हुए हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर पर वो सारे 12 बच्चे जो थे उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आप ये एरिया देखिए
देखिए कितने छोटे जगह पर इस बेबी सेंटर को तैयार किया गया था। और यहीं पर अगर बात करें तो देखिए जो शुरुआती जांच में जो चीजें सामने आई उसमें ये कहा गया है कि यहां पर केवल 5 बच्चों को एडमिट किया जा सकता था, लेकिन 12 बच्चों का इलाज चल रहा था, एनओसी नहीं था और गलत तरीके से यहां पर सिलेंडर की रिफिलिंग की जा रही थी। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है कि क्या आग सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से हुई या फिर जो आगे के जो शॉर्ट सर्किट हुई है तार में उसकी वजह से हुई, अभी ये चीजें साफ नहीं हो पाई है। हमारी संवाददाता ने आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट से भी बात की। प्रेसिडेंट से सुनिए कि घटना के बाद बच्चों को किस तरह बचाया गया। और 5 बच्चे हमने यहाँ से रेस्क्यू हुए थे। हुआ ये था कि 11:30 बजे मेरे को कॉल हुई कि आपके घर के बैक साइड पे सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, तो आगे जाने की कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि आगे तो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे तो बैक साइड में आए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि पीछे कोई रास्ता नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि पीछे भी एक गेट है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि अगर जो यहाँ पे स्टाफ थे जो भाग गए सब चीज छोड़ के कि बच्चों को लेके यहाँ से फौरन भाग गए? देखिए सारे नहीं भागे थे। हाँ। 2 नर्सेस फर्स्ट फ्लोर पे थी, आप देखिए वहां से। अच्छा। कैमरामैन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा। यहाँ से उन्होंने नर्सेस ने लोहे की चीज से वो तोड़ा है, उसके बाद यहाँ ह्यूमन चेन बनी है, ये जो ग्रिल इसके ऊपर है। हाँ। और वहां पे एक शख्स खड़े हुए हैं और ह्यूमन चेन बन के बच्चे अल्टीमेटली मेरे पास आ गए। मैं गली के बाहर था और मैंने गाड़ी स्टार्ट करके रखी हुई थी। दोनों अटेंडेंट जो दोनों नर्सेस थी वो हमारी गाड़ी में थी, उसके साथ हमारे जो और नेबर्स थे वो लेडीज सभी गाड़ी में बैठ गई। 5 बच्चे हम लेके गए हैं जो 5 जीवित हैं। एक जरूर सीरियस हुआ था लेकिन वो भी बिल्कुल ठीक है। 5 बच्चे डे केयर सेंटर में लेके गए। बच्चों की मौत हुई, बताया जा रहा है कि दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई। जब हम उन पहले 5 बच्चों को छोड़ के वापस आए, जब व्हेन वी केम बैक हियर, तो हम बहुत सरप्राइज हुए कि वो 6 बच्चे मृत थे और उनकी बॉडीज भी हमने वहीं देखी ईस्ट डे केयर सेंटर में, ईस्ट दिल्ली डे केयर सेंटर में। वो बच्चे बिल्कुल झुलस चुके थे, लाल चमड़ी उनकी बाहर आ चुकी थी। हमें खेद इस बात का है उन बाकी 6 बच्चों को नहीं बचा सके। दिल्ली NCR में ऐसे कई बेबी केयर सेंटर चल रहे हैं। विवेक बिहार की घटना के बाद हमारी रिपोर्टर भावना ने पंजाबी बाग में एक ऐसे ही बेबी केयर सेंटर का जायजा लिया। वहाँ उन्होंने क्या देखा ये जानिए। विवेक बिहार बेबी केयर हॉस्पिटल अग्निकांड में 7 बच्चों की मौत हो गई, ओनर की गिरफ्तारी हो गई है, कार्रवाई चल रही है। लेकिन अगर बात करें इस बेबी केयर हॉस्पिटल के कई सारे ब्रांच NCR में है। एक दिल्ली पंजाबी बाग में इस आप बेबी केयर हॉस्पिटल का सेंटर देख सकते हैं, इसके अलावा फरीदाबाद भी इसी तरह के बेबी केयर हॉस्पिटल का एक सेंटर मौजूद है। इस वक्त हम दिखाना चाहेंगे कि यहां पर कल रात तक बच्चे एडमिट थे और यहां पे काम करने वाले कर्मचारियों ने कल रात बच्चों को यहां से डिस्चार्ज किया और इसके साथ ही अब जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ था यहां पर काम करता था, जो डॉक्टर्स थे, वो फरार बताए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको अंदर की तस्वीर भी हम दिखाएंगे कि इस सेंटर में किस तरह की तस्वीर है जो हम यहां से देख सकते हैं। यहां के आसपास के लोगों का कहना है कि यहां पर भी कई सारे सिलेंडर्स अमूमन देखने को मिल जाते थे। यहां पे भी सिलेंडर के लिए आप देखें किस तरह से जो नोजल पाइप्स हैं वो आपको देखे जा रहे होंगे। ये गैस का आप देखें किस तरह से जो पाइप है, कई सारे पाइप आपको नजर आ रहे होंगे। बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि यहां पर अक्सर कई गाड़ियां सिलेंडर भर के आती थी और कई बार जाती थी, यानी यहां पर भी उसी तरह से जिस तरह से विवेक विहार के उस अस्पताल में काम होता था यहां पर भी किया जाता था। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और उसी आप देखिए कितना छोटा ये अस्पताल है और इसी अस्पताल में और कई सारे बच्चे भी कल तक भर्ती थे। और ये आगे हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर कि किस तरह से यहां पर आगे लैब भी था। फिलहाल सुबह के वक्त यहां पर जो काम करने वाले लोग थे वो यहां से फरार हो चुके हैं और इसके साथ ही कुछ आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि अक्सर यहां पे सिलेंडर्स देखे जाते थे, इसको लेकर शिकायत भी की गई थी। लेकिन बहुत ज्यादा लोग जो है इस विषय में बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें एक तरह से डर भी लग रहा है। सर एक रिएक्शन चाहेंगे, सिलेंडर्स के आप लोग देखते थे क्या यहाँ पे? नहीं, ये बताते हैं कि सिलेंडर पहले बाहर पड़े रहते थे, यहाँ से कंप्लेंट करने के बाद सिलेंडर हटा दिया, फिर उन्होंने ऊपर कहीं रख लिए होंगे। अच्छा, ऊपर रख लिया। आपको पता है वहाँ के सेंटर पे भी रिफिलिंग करते थे जिसकी वजह से वो ब्लास्ट? रिफिलिंग का तो हमें नहीं, इतना नहीं आइडिया, लेकिन यहाँ सिलेंडर पड़े रहते थे ये पहले देखा, आप काफी टाइम से है नहीं। अच्छा, नहीं है। लेकिन वो बंदे हैं ना जो कि जिन्होंने जो कंप्लेंट बहुत करते रहते थे। अच्छा, मिस्टर RC का सिलेंडर्स थे यहाँ पे? हाँ, पहले थे। अब पहले थे, बारी जाल बना रखा, अब अंदर रख दिया। अंदर कंप्लेंट करके, तो आप देखिए कंप्लेन यहाँ पर भी की गई थी लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं कि सिर्फ विवेक विहार में ही कंप्लेन की जाती थी आसपास के लोगों द्वारा, लेकिन यहाँ के पंजाबी बाग के सेंटर के आसपास रहने वाले लोगों ने भी कंप्लेन की थी कि यहाँ पर सिलेंडर्स लाए जाते हैं और यहाँ पर रखे जाते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। और आखिर आपने देखा कि किस तरह से विवेक विहार के उस अस्पताल में सिलेंडर ब्लास्ट होता है। और आप ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि यहाँ पर भी आप देखिए कई सारे जो पाइप है उसकी तस्वीर हमको नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी उसी तरह से सिलेंडर की
रिफिलिंग की जाती थी कि कई बार गाड़ियां भर के यहाँ पे सिलेंडर्स आते थे और रखे रहते थे, जिसके बाद लोगों ने शिकायत की और इन्होंने सिलेंडर को ऊपर रखना शुरू कर दिया। फिलहाल यहाँ पर काम करने वाले सभी स्टाफ डॉक्टर्स फरार बताए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन दलप अवस्थी के साथ भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए। विवेक बिहार की घटना के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं और पुलिस ने जांच शुरू भी कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस घटना के बाद अन्य बेबी केयर सेंटर समेत वो तमाम अस्पताल और संस्थाएं समय रहते ऐसे मानवीय त्रासदी से बचने के लिए हर संभव उपाय जरूर करेंगे और यह घटना सबके लिए एक सबक होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।